फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज की हमारी रेसिपी है चिकन कोरमा। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और इजी रेसिपी है और ये सबकी फेवरेट होती है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया है और ये दही, जिंजर गार्लिक पेस्ट, बारीक कद्दू, प्याज, रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक। तो देखिए, जो हमारा चिकन था उसमें हमने दही, रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डाल के मिक्स कर दिया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। फिर हम एक फ्राई पैन में लेंगे ऑयल। ऑयल में करेंगे हम बारीक कटी हुई प्याज ऐड। उसका गोल्डन ब्राउन होने तक का वेट करेंगे। अब देखिए, प्याज थोड़ी थोड़ी गोल्डन ब्राउन हो रही है और ये गोल्डन ब्राउन हो गई। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। फिर हम उसी ऑयल में गरम मसाला ऐड कर देंगे। फिर जो हमने चिकन मैरिनेट होने को रखा था वो भी ऐड कर देंगे। हमको इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है क्योंकि दही और चिकन अपना पानी रिलीज कर देगा। फिर हम इसको मिक्स तो करने के बाद इसके ऊपर ढक के थोड़ी देर पकने को रख देंगे। ये जो प्याज हमने गोल्डन ब्राउन करी थी, अब उसका पेस्ट बना लिया है। और देखिए, चिकन का ऑयल ऊपर आ गया है और देखिए कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। अब हम इसमें जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था, अब वो इसमें ऐड कर देंगे। देखिए, बोटी भी पूरी गल चुकी है। ये हमने प्याज का पेस्ट ऐड कर दिया है और इसको मिक्स करके थोड़ी देर और पकाएंगे। तो देखिए, हमारी रेसिपी बनके रेडी हो चुकी है। कितनी ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी लग रही है। आप इसको घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी नई वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और ऐसी मेरी वीडियो देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।